जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। सुबह सुबह की एक वेदर को लेकर बड़ी अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको बता दे चलें कि आज से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश होने की जो पेशन गोई है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। आपको बता दें चलें कि अगले तीन दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, खासकर कश्मीर के कई इलाकों में और जम्मू के कई हिस्सों में जो है बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और बता दें कि श्रीनगर लद्दाख जो नेशनल हाईवे है, वहीं जोजिला की बात करें, राजदान दरा की बात करें, कश्मीर की बात करें या फिर साधना दरा की बात करें, किश्तवाड़ के सिंथन टाप की बात करें तो यहां पर मुगल रोड की बात करें, इसके साथ साथ कई सारे पहाड़ों पर जो है वो हल्की बर्फबारी के कारण जो है वो ये कहें कि ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। और साथ साथ ये कहें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अगर कोई भी टूरिस्ट या कोई भी अगर व्यक्ति अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो जो है वो 14 से 15 नवंबर के दौरान मौसम के बारे में पहले जो है वो ज़रूर देख ले, तो मौसम की जानकारी ज़रूर ले ले ताकि उसे जो है वो अपने सफ़र के दौरान किसी भी तरह की जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक बार जो ट्रैफिक की एडवाइजरी है वो भी जो है वो ज़रूर पढ़ ले ताकि रास्ते में जो है वो उन्हें परेशान ना होना पड़े। वहीं वेदर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 14 से यानी कि आज से जो है वो 16 नवंबर के दौरान जो है वो जो पहाड़ी इलाके हैं यानी कि ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर के जो है वो बर्फबारी हो सकती है। और वहीं जम्मू डिवीज़न के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जो है वो है। और ऐसे में 16 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 23 नवंबर तक जो है वो मौसम खुश्क रहने की जो है वो संभावना है। तो आप लोग भी अपने अपने इलाके का वेदर अपडेट कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। जिस तरह से जम्मू के अंदर भी लगातार सुबह शाम जो है वो एक फाग जो है वो देखने को मिल रही है, और ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि सुबह शाम अगर आप लोग भी कहीं से भी अगर अपना सफ़र तय करते हैं तो इस बीच जो है वो गाड़ी धीरे चलाएं ताकि आप और आपके चाहने वाले सेफ रहें। वहीं अगर आप श्रीनगर लद्दाख हाईवे या फिर राजदान पास या साधना पास या फिर नॉर्थ कश्मीर सिंथन टाप या किश्तवाड़ या फिर मुगल रोड के लिए अगर आप सफ़र करेंगे तो जनाब एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी और वेदर जो एडवाइजरी है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है जब जब मौसम ख़राब होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो रास्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार सड़क जो है बंद हो जाती है तब भी परेशानी होती है। तो इसलिए एक बार जो है वो वेदर कंडीशंस को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, रहमतुल्ला भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर कोई अपने अपने इलाके का जो वेदर अपडेट है वो कमेंट्स में यहाँ पर रख रहा है। सुवर्ण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हर कोई अपने अपने इलाके का जो अपडेट है वो यहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर साझा कर रहा है। तो आप लोग भी अपने अपने इलाके का जो अपडेट है वो कमेंट्स में साझा करें। लेकिन जम्मू का आप देख सकते हैं कि आज भी जम्मू में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो एक फॉग है वो जो है वो सुबह सुबह यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुबह शाम की बात करें तो जम्मू के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ठंड है वो देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ लोगों से ये कहेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि ऐसे मौसम जब बदलता है तो उसमें लोगों की सेहत पर भी जो है वो काफ़ी असर पड़ता है। तो इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखें ताकि आप किसी भी बीमारी का शिकार ना हों। लेकिन एक बड़ा अपडेट जो मौसम को लेकर है यानी कि आज से लेकर अगले 3 दिनों तक 16 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में जो है वो बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। तो जनता भी अपने अपने इलाके का हाल कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।